हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथिक फिजिशियन। आज आपको रीनल वेन थ्रोम्बोसिस की होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे जो कंप्लीट क्योर करती है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। RVT, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट इन द वेन्स दैट द ड्रेन ब्लड फ्रॉम द किडनीज। RVT ब्लड क्लॉट डेवलपमेंट वन एंड बोथ रीनल वेन्स लेफ्ट एंड राइट वेन्स इज नोन एज रीनल वेन थ्रोम्बोसिस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, थ्रोम्बोसिस मीन्स होता है ब्लड क्लॉटिंग अपीयर करना। वेन मतलब नसों में, रीनल मतलब किडनी। किडनीज की जो नस होती है, किडनीज की जो वेन होती हैं, उसमें ब्लड क्लॉटिंग अपीयर हो जाना। जो वेन्स राइट वेन्स होती हैं, लेफ्ट वेन्स होती हैं, जो पूरे ऑर्गन्स को कवर करती हैं, जिस तो उस कं उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करना, ब्लड क्लॉटिंग डेवलप हो जाना, उस कंडीशंस को रीनल वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। कॉजेज ऑफ RVT: एक्यूट किडनी इंजुरीज, क्रॉनिक किडनी इंजुरीज, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्राइमरी हाइपरकोगुलेटिव डिसीज, मेलिगेंस, रीनल ट्यूमर, एक्सट्रेंसिक कंप्रेसर ट्रामा, रिसर्व इन्फेक्शंस एंड समटाइम्स रियली एन इन्फ्लामेशन बॉगल डिसीज। ये कॉजेज होते हैं जिनके कारण से रीनल वेन थ्रोम्बोसिस अपीयर हो जाता है। इनके साइनिंग सिम्टम ऑफ रीनल वेन थ्रोम्बोसिस: रीनल इन्फ्लेक्शंस, फ्लैंक पेन, फ्लैंक डेंट्रस एंड रैपिड डिस्टोरेशंस ऑफ द रीनल फंक्शंस, प्रोटीनूरिया, हेमेटोनूरिया, नोशिया, वॉमिटिंग, फीवर, स्वेटिंग एंड स्वेलिंग लिम्स एंड इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन, स्लाइट रेडनेस, ईचिंग, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन एंड यूरिन डार्क कलर, लाइक द साइनिंग सिम्टम्स। ये इस तरीके के साइनिंग सिम्टम्स होते हैं और नर्व बल्क हो जाती है। कभी कभी बाहर आउटसाइड वेन्स जो होती हैं वो बल्क अपीयर हो जाती हैं, बल्क शोइज होती हैं। ये साइनिंग सिम्टम होते हैं रेनल वेन थ्रोम्बोसिस। इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले क्लियर कर दें कि ये कॉमन मेडिसिन से जो कि सिम्टम्स के बिहाव पे सिलेक्ट होती हैं, जनरल मेडिसिन है, इसे आप एक्यूट कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं। बट ये भी मेडिसिन आप स्टार्टिंग 1-2 वीक्स यूज़ करिए, अदर देन आपको रिलीफ है तो इसे कंटिन्यू 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर रिलीविंग नहीं है तो आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए जिससे आप कंप्लीट क्योर हो सके। बट अगर रीनल वेन थ्रोम्बोसिस एक क्रॉनिक कंडीशन से आप सफ़र कर रहे हैं, साथ में अदर हेल्थ इश्यूज भी है या अदर किडनी डिसऑर्डर्स है, तो आपको इमीडिएटली होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि होम्योपैथी में इंबलाइजेशन, केस ट्रेकिंग, कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होते हैं। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिफरेंट मेडिसिन सिलेक्ट होती हैं जिससे कि आप कंप्लीट क्योर हो सकते हैं। आपने नियर बाई होम्योपैथी MD डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट एक्यूट कंडीशंस में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मेडिसिन नेम है फेरम फॉस 6x 2 टैबलेट 3 times a day फॉर 24 वीक के लिए यूज़ करना है। सेकेंड है कैलकेरिया फ्लोरिकम 2 times a day फॉर 24 वीक के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोरिकम 4 pills मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, 4 pills नाइट आफ्टर फूड। फेरम फॉस 2 tablets मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, बिफोर लंच एंड आफ्टर फूड। ये बहुत मेडिसिन साथ में यूज़ करनी, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बट क्रॉनिक कंडीशंस में आपको होम्योपैथी कंसल्ट करना चाहिए। डाइट इंस्ट्रक्शंस में पिकल्स अवॉइड करना है, एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, विटामिन लाइक सी फूड, सीटेड फूड्स को भी अवॉइड करना है। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और हमारा चैनल वॉच कर रहे हैं थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकॉन पुश करें जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रीनल वेन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।